अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कश्मायला। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड STA 630 का लेसन नंबर 30, दैट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, के अब हमने डेटा को ट्रांसफर कैसे करना है। पिछले सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डेटा को किस तरह कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को एनालिसिस करने का तरीका पढ़ा, फिर डेटा को एडिट करने का तरीका पढ़ा। अब हम देखेंगे कि डेटा एडिटिंग भी हो गई डेटा की, अब उसको ट्रांसफर कैसे करना है, ठीक है। और ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग डेटा फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म टू द फॉर्मेट दैट इज मोर सुटेबल टू परफॉर्म अ डाटा एनालिसिस, ठीक है। आप एक ओरिजिनल डाटा को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जो कि सुटेबल होता है डाटा एनालिसिस के लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में। ये सारी थ्योरी है। यहाँ से हम देखते हैं कि स्केल क्या होता है। स्केल जिसको रिसर्चर यूज करता है कैप्चर करने के लिए इंटेंसिटी को, डायरेक्शंस को, लेवल को, पोटेंसी ऑफ आ वेरिएबल कंस्ट्रक्ट की। और इंडेक्स क्या होता है कि जिससे रिसर्चर से होते हैं वो ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं डिफरेंट इंडिकेटर्स को इनटू अ सिंगल स्कोर में। और यूनिडाइमेंशनलिटी क्या होता है, इफ यू कंबाइन सेवरल स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ सिंगल स्कोर आर मेजर हैव ऑल द पीसेज मेजर द सेम थिंग, ठीक है। मतलब अगर आप सेवरल स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक सिंगल स्कोर में मेजर करते हैं और वो तमाम पीस मेजर जो है वो सेम थिंग्स रखते हैं, ठीक है, ये यूनिट डायमेंशनलिटी का कहना है। इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, इसमें एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई दैट स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, जिसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्लेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्लेशन को चेक मेजर करने के लिए, महंगाई को मेजर करने के लिए कि क्या बाइंग है, क्या सेलिंग है, क्या प्राइस है, बाइंग प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस क्या, ठीक है। कॉस्ट और सेल प्राइस चेक की जाती है इनसे। आगे उन्होंने सारी उसकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा, नॉट मच इम्पोर्टेंट थ्योरी है सारी। वेटिंग, जिसके अंदर आप वेट करते हैं डिफरेंट इंडेक्स का, और उन्होंने लिखा हुआ है कि आप वेट इंडेक्स गिव ईच आइटम इक्वल वेट, इनका इक्वल वेट ही होता है। और नीचे एमसीक्यू उसके लिहाज से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीप्लाइड बाय वन करते हैं या माइनस वन करते हैं तो वो नेगेटिव आइटम्स में उसका रिस्पॉन्स आएगा। बाकी ये भी हाँ सारी थ्योरी है, ये ऊपर पढ़ा है हम स्कोर इंडेक्स के बारे में। स्कोरिंग एंड स्कोर इंडेक्स में भी उन्होंने वही लाइकर्ट स्केल बताए हुए हैं जो हम पीछे पढ़ के भी आए हैं। मिड टर्म के सिलेबस में भी हमने ने पढ़ा था कि आप या तो येस और नो में आंस करते हैं, या आप स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री में आंस करते हैं, या तो 1 to 5 होते हैं उसके सेंटर में आंस करना होता है। वही सारी डिटेल इसमें भी बताई हुई है। तो ये हमारा लेसन नंबर 20 20 20 जल्दी बोले 29 था, नहीं 30 था, 30 था, मुझे हमेशा लास्ट पैरा तक ये भूल जाता है कि लेसन कौन सा था। तो ये हमारा लेसन नंबर 30 था। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नहीं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये किसने करना है, ठीक है, कर लिए सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।